तो दोस्तों, ये जो पपी आपको दिख रहा है फ़ोटो में, ये मुझे 28 जुलाई को मिला था अपने घर के पास। यार बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा बीमार था, बारिश में भीग, ये पूरा गीला हो रखा था और बारिश में भीग रहा था। मैं इसके पास काफ़ी देर तक खड़ा रहा और हमने एनजीओ वालों को कॉल किया था। एनजीओ से एक लेडी आई उसके ट्रीटमेंट के लिए, बट उसने मना कर दिया क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और उसको बोल उसने कहा कि अगर इसको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करवाया तो ये बचेगी नहीं। इसको लूज़ मोशन हो रहे थे, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी और इसको ब्लड आ रहा था उसमें लूज मोशन में। तो 6 डेज़ के लिए, 5 डेज़ के लिए हमने उसको एडमिट करवाया। और जो फिफ्थ डे जब हम इससे मिले थे तो इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट थी, बहुत ज़्यादा एक्टिव हमें दिखी। और 6 डेज़, फिर एक दिन और उसको हॉस्पिटल में रखा डॉक्टर्स ने, और ये डॉक्टर ने खुद बोला कि इसने सर्वाइव किया, ये बची है, ये मरते मरते बची है। तो उसको फिर हम 6 डे अपने वापस लेकर आए। तो हमने कोशिश की उसको डॉग शेल्टर में छोड़ने की, बट वहाँ हमें ठीक नहीं लगा। डॉग शेल्टर वालों ने भी मना कर दिया कि ये बहुत ज़्यादा छोटी है और अभी रिकवर होके आई है, तो इसीलिए उन्होंने भी मना कर दिया। और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव बातें उन्होंने बोली और डॉग के बारे में कि हम आपको कोई फीडबैक नहीं दे पाएंगे, कोई अपडेट नहीं दे पाएंगे डॉग के बारे में। तो इसलिए हम उसको वापस लेकर आ गए, हमने केज में रखा अभी उसको 2-3 दिन। और मेरे पास ऑलरेडी एक डॉग है, तो इसीलिए उसको एक रूम में हम अपने डॉग को रखते, दूसरे रूम में इसको हमने केज में रखा हुआ है। तो मेरा डॉग फ्रेंडली नहीं है दूसरे डॉग के साथ, तो इसीलिए फिर हमने उसको 2 दिन रखा। और जब वो काफ़ी ज़्यादा ठीक और फिट जब दिखने लगी तो इसीलिए हमने फिर उसको वापस लोकेलिटी में छोड़ा। वो वहाँ से वापस आ रही, वापस आ जाती है घूम के, क्योंकि आसपास के लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। और इसलिए क्योंकि वो खुद भी एक पैट थी पहले, क्योंकि जब वो हमें मिली उसके गले में रेड कॉलर था, तो इसका मतलब किसी ने उसको रख के फिर अबंडन किया है। तो वो जब भी बाहर जा रही है लोग उसको भगा रहे हैं, उसके बाल नहीं है, गीले रहने की वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा उसको एलर्जी हुई होगी, जिसकी वजह से उसके बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ गए। तो लोग उसको भगा रहे हैं, कोई भी अपनी शॉप में नहीं बैठने दे रहा, घर के आगे शॉप के आगे नहीं बैठने दे रहा उसको। और बहुत ही ज़्यादा डरी हुई रहती है वो, और वापस भाग के आ जाती है मेरे पास। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी आप कोई भी आपने से कोई भी इसको अगर अडॉप्ट करना चाहता तो इस नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप इस पप्पी को बेटर लाइफ दे सकते हैं। मैं खुद चाहूँ तो इसको डॉग शेल्टर में छोड़ सकता हूँ, बट मैं खुद ऐसे पर्सन को मैं दे चाह रहा हूँ इसके लिए, जो इसको प्यार दे सके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती है, ये प्यार ढूंढती है, लोगों के पीछे भागती है। तो मैं चाहता हूँ कोई ऐसा इंसान इसको अडॉप्ट करे जो इसको प्यार दे, जो इस पप्पी को बेटर लाइफ दे सके।